डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण जो विद्युत विभव हम पढ़ रहे थे उसका जो केस थर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। तो केस थर्ड अपना जब बिंदु पी गोले के अंदर स्थित हो। तो देखो, गोला बनाते हैं, सबसे पहले अचालक ठोस गोला बनाते हैं। तो ये अचालक ठोस गोला है जिसका केंद्र बिंदु ओ है और इसकी जो त्रिज्या थी वो है कैपिटल आर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर। अब हम क्या करते हैं, इसके केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर गोले के अंदर कोई बिंदु पी मान लेते हैं। ये बिंदु पी है, यहाँ पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर है, गोला जो है ये आवेशित है एक समान रूप से, इस पे स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है। क्लियर है भाई, ये डायग्राम हो गया अपना। तो देखो होगा क्या है, इस केस में ये जो त्रिज्या है कैपिटल आर ये बड़ी होगी इस स्मॉल आर से। तो इस केस में हम लिख देंगे स्मॉल आर से बड़ा होगा कैपिटल आर। अब अपने को यहाँ पर विभव निकालना है। तो देखो, विभव निकालने के लिए अपने को विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। तो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है अचालक ठोस गोले के, वी सतह पे तो होता था, देखो सॉरी, भार जो होता है ये होता है के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर होता था के क्यू स्मॉल आर इंटू सॉरी स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। क्लियर है, ये होता था अंदर और ये होता है भार। अब देखो विभव अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से और इस आर दूरी पर लेके आएंगे। तो उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही विभव होगा। तो इसको लाने के लिए अपने को दो तरीके काम में लेने पड़ेंगे। तो जब उस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं अनंत से इस बिंदु पर, तो देखो बाहर के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी अपने को कार्य करना पड़ेगा और अंदर के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले उसको सतह तक लाएंगे, फिर सतह से उसको अंदर लाएंगे। जब अनंत से सतह तक लाएंगे तो बाहर का विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य होगा, और जब सतह से अंदर लाएंगे तो अंदर के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य होगा। तो ये जो फॉर्मूला था अपना विद्युत विभव की परिभाषा से माइनस ए इंटू डी आर, इसमें जब हम लिमिट लगाते हैं अनंत से स्मॉल आर, तो इसको यहाँ पर दो पार्ट में अपने को लिखना होगा। देखो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल आर ई डॉट डी आर, और जब इन्फिनिटी से सतह तक लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बाहर का काम में आएगा, इसलिए यहाँ पर ई आउट लिख देंगे। प्लस में यहाँ से और यहाँ तक लेकर आएंगे, तो इस केस में हो जाएगा ये लिमिट लगा देंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर, मतलब यहाँ से और यहाँ तक ए इंटू डी आर, और जब यहाँ से यहाँ पर हम लेके आ आएंगे आवेश को तो अंदर के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर वाला हम यूज करेंगे। तो बस ये स्टेप है इसमें समझने वाली, बाकी इस डेरिवेशन में कुछ खास नहीं है। दोबारा से देख लो, यहाँ पर अपने को विभव कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम एकांक धन आवेश को अनंत से यहाँ तक लेकर आएंगे। तो उसमें किया गया कार्य हम कैलकुलेट करते हैं। तो होगा क्या, इस केस में जब अनंत से यहाँ तक आएगा आवेश तो उसको दो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, एक तो बाहर वाले के एक अंदर वाले के। तो हम उसको दो भागों में लेकर आएंगे, एक बार तो अनंत से और सतह तक ले आएंगे, तो लिमिट लगा देंगे अनंत से कैपिटल आर, फिर दूसरे में क्या होगा सतह से स्मॉल आर दूरी तक ले आएंगे, मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो ये हो गया, समझ आ रहा है। तो ये स्टेप अपने को समझनी है, इसके बाद इसमें कुछ भी खास नहीं है। तो देखो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस लिमिट अनंत से कैपिटल आर ई आउट, ई आउट होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर, तो हो जाएगा अपना के क्यू बटे में आर स्क्वायर इंटू डी आर माइनस लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर ई इन। ई इन की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे के क्यू आर अपॉन आर क्यू, इसको अब सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर के और क्यू नियत है, उसको समाकलन से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर के क्यू और कैपिटल आर ये तीनों नियत हैं, इसको समाकलन से बाहर निकाल देंगे। क्लियर है भाई, गोले की जो त्रिज्या है वो भी फिक्स है, इस पे जो आवेश है क्यू वो भी फिक्स है, के तो नियतांक होता ही है, तो ये भी फिक्स है, तो तीनों को हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से समाकलन से। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
क्लियर है अभी यहां तक? अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस k क्यू, बाहर निकाल देते हैं इसमें से, समाकलन अनंत से कैपिटल R, तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी आर, माइनस इसमें से बाहर आ जाएगा k क्यू बटे में कैपिटल R क्यू, समाकलन लिमिट कैपिटल R से स्मॉल R, और अंदर बचेगा आर इंटू डी आर, सॉरी यहाँ पे डी आर और लगाना है, आर इंटू डी आर। क्लियर है अभी? अब इसको आर की पावर, ये जो टू है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी -2। अब देखो अपने को पता है एक्स की पावर एन का जो समाकलन होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, जब हम समाकलन करते हैं तो ये आता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये सबको पता होगा। मतलब जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो और वही डिवाइड हो जाता है, बटे में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका भी समाकलन कर देंगे इस वाले फॉर्मूले से और इसका भी समाकलन कर देंगे, देखो कैसे होगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू, अब समाकलन करते हैं r की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा r की पावर -2 प्लस वन अपॉन में -2 प्लस वन, समाकलन करने के बाद उसको बड़े कोष्टक में लिखते हैं और लिमिट यहां पर लगाएंगे अब अनंत से कैपिटल R, माइनस के क्यू बटे में कैपिटल R क्यू, यहाँ पे देखो ये R की पावर 1 है तो R की पावर 1 का समाकलन हो जाएगा R की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 मतलब 2, R की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट है कैपिटल R से स्मॉल R। क्लियर है भाई? सिंपलीफाई कर लो आगे, और तो हो जाएगा माइनस के क्यू, तो R की पावर -2 प्लस 1 ये -1 हो जाएगा, R की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट है अनंत से कैपिटल R माइनस, इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं के क्यू अपॉन आर क्यू, इस चाहो इस टू को बाहर निकाल लो, एक कॉन्स्टेंट है तो आर स्क्वायर कैपिटल आर से स्मॉल आर। क्लियर है भाई? अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा के क्यू, आर की पावर -1 है ये नीचे जाएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 अपॉन आर, लिमिट है अनंत से कैपिटल आर माइनस दिस के क्यू अपॉन 2 r³, r की पावर 2 r, स्मॉल r, एज इट इज लिख दिया हमने इस वाले टर्म को। अब देखो लिमिट सोल्व करते हैं, तो लिमिट सोल्व करना अपने को आता है, एक बार जो वेरिएबल होता है उसकी जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो इसकी लिमिट सोल्व करते हैं। देखो तो हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन, इस r की जगह अपर लिमिट पुट किया कैपिटल R, माइनस का साइन, r की जगह लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है अनंत, तो हो जाएगा 1 अपॉन अनंत, माइनस इसको ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब यहां पर भी हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट सोल्व करेंगे, तो r की जगह एक बार ऊपर की लिमिट, तो r की जगह r रखा हमने, माइनस इस r की जगह कैपिटल R। क्लियर है? तो ये लिमिट सोल्व हो गई है अपनी, 1/∞ ये 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चलो यहां तक क्लियर है, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया v, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो v इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 0, 1/अनंत 0 हो जाएगा, तो 1/r में से अगर हम 0 निकालेंगे तो 1/r ही बचेगा ये, माइनस के क्यू बटे 2 r³, ब्रैकेट
स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो हम क्या करते हैं, 2R³ एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा। या फिर ऐसे करो, सब में देखो के क्यू कॉमन आ रहा है तो के क्यू को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा अपना 1/r माइनस, इधर बचेगा ये R² माइनस R² अपॉन में 2R³। इन दोनों में 2R³ एलसीएम आ जाएगा, तो जाएगा के क्यू, एलसीएम लिया हमने 2R³, तो 2R³ में R से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2R², तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2R² माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे R² माइनस R², क्लियर है भाई। चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, तो हो जाएगा देखो के क्यू 2R² माइनस R², ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस R² डिवाइडेड बाई 2R³, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2R² और R² ये हो जाएगा 3R² को, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी है डेरिवेशन बट आसान है, तो फाइनल स्टेप पर हम पहुंच ही गए हैं लगभग। तो v इक्वल्स हो जाएगा देखो यहाँ पे, v इक्वल्स टू के क्यू 2R² और R² हो जाएगा 3R² माइनस R² डिवाइडेड बाई 2R³, ठीक है भाई। तो ये अंदर विभव का फॉर्मूला हो गया है, के क्यू इंटू 3R² माइनस स्मॉल R² अपॉन में 2R³, क्लियर है। तो ये अंदर का फॉर्मूला है। अगर मान लो आपसे पूछे कि गोले के केंद्र पर विभव बताओ, तो देखो केंद्र पर क्या होता है, अगर हम बात करें डायग्राम की, तो अपने गोला था तो केंद्र पर जब बिंदु P केंद्र पर आ जाएगा, तो केंद्र पर स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब गोले से उस बिंदु की दूरी 0 है, तो केंद्र पर स्मॉल r की वैल्यू हम 0 पुट कर दें। तो यहाँ पे देखो जब 0 पुट कर देंगे तो ये V केंद्र निकल जाएगा अपना, तो V केंद्र इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू 3R² माइनस R² की जगह 0 पुट कर देंगे अपॉन में 2R³। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा के क्यू इंटू 3R² अपॉन में 2R³, तो R² से R² कट जाएगा, नीचे एक R बचेगा, तो हो जाएगा 3/2 के क्यू बाई कैपिटल R। 3/2 मतलब 1.5। और ये फॉर्मूला होता था अपना वी सतह, देखो वी सतह का फॉर्मूला यही होता था, ए क्यू बटे में कैपिटल आर, तो इसको हम वी सतह लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, केंद्र पर जो विभव होता है वो सतह की विभव का 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेगा, मान लो कोई ठोस अचालक गोला है, उसके केंद्र पर विभव है 45, कितना है भाई 45 वोल्ट, तो बताओ सतह पे कितना होगा। तो अपने को पता है सतह पे जो विभव होगा वो केंद्र का जो विभव है उसमें 1.5 का भाग दे दो, तो 45 में 1.5 का हम भाग देंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, केंद्र पे दे दे तो सतह पे निकाल देंगे, सतह पे दे दे तो केंद्र पे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में, कि दूरी के साथ विभव में किस प्रकार चेंज आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ठोस अचालक गोले के अंदर बाहर और सतह तीनों जगह पे हम विद्युत विभव निकाल चुके हैं। अब हम विभव और दूरी में ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसा बनता है ग्राफ, चलो देखते हैं। तो पहले हम तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं,
देखो गोले के वी तथा आर में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, विभव और दूरी में। वी तथा आर में ग्राफ देखो, वी इनका फॉर्मूला आता है अपना के क्यू इंटू 3 R² माइनस R² डिवाइडेड बाई 2 R³। ऐसे वी सतह होता है के क्यू बटे में कैपिटल आर, और वी इन होता था के क्यू बटे में, सॉरी वी आउट ये होता है के क्यू बटे में स्मॉल आर। ठीक है, तो हम तीनों ही ग्राफ बनाएंगे, अंदर सतह पे और बाहर कैसा बनता है। तो इधर देखो, एक्स एक्सिस पे हम दूरी ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर विभव ले लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है, इधर हम दूरी ले लेते हैं स्मॉल आर, और इधर हम विभव ले लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो विभव हो गया, ये अपना मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0 है। देखो ये केंद्र है, केंद्र पर आर का मान 0 होता है, सतह पे कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाते हैं, तो ये सतह है। बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर स्मॉल आर बड़ा होता है कैपिटल आर से, और अंदर की अगर हम बात करें गोले के तो स्मॉल आर छोटा होता है कैपिटल आर से। तो देखो अंदर जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, तो वी इन जो आर है इसमें जो ग्राफ अपने को देखना है वो देखो कैसे बनता है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। तो जब भी ग्राफ जैसे ये इस टाइप का ग्राफ आपने पढ़ा होगा y² = 4ax, तो ये परवलय का ग्राफ होता है, जब एक वेरिएबल की पावर 1 होती है और दूसरे की 2 होती है, तो जो ग्राफ बनता है वो परवलय आकार का होगा। और उसमें इसका जो ग्राफ बनता था ये कुछ इस टाइप का बनेगा देखो। और अगर ये ऐसी होती इक्वेशन अपनी x² = 4ay, तो जो ग्राफ बनता वो परवलय टाइप का ही होगा, बट वो अब वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो जिसकी पावर कम होगी उसके ऊपर ये ग्राफ बनता है इस टाइप से। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो अब हम यहाँ पर देखो क्या है, विभव की पावर 1 है और आर की पावर 2 है, जो ग्राफ बनेगा वो विभव वाले एक्सिस के ऊपर बनेगा। यहाँ पर हमने विभव लिया है वाई एक्सिस के ऊपर, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसलिए जो ग्राफ इस टाइप का नहीं होगी, ग्राफ उसका उल्टा हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर है? तो यहाँ पर जब हम ग्राफ, अरे ये जो ग्राफ ऐसे होना था वो कुछ अब इस टाइप से होएगा। क्लियर है? तो यहां से अगर हम बात करें तो अंदर जो ग्राफ बनेगा वो परवलय आकार का होगा, सतह तक अगर हम बात करें तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ये देखो समझ पा रहे हैं उसको, तो सतह तक अपने को ये ग्राफ प्लॉट करना है। और वैसे भी अपने को पता होना चाहिए कि केंद्र पर जो विभव होता है वो सतह के विभव से 1.5 गुना होता है। तो ये वी सतह है यहाँ पर, और ये वी इनका ग्राफ बन गया है अंदर का, ठीक है, जो कि परवलय आकार का होगा इस टाइप से। समझ में आ गया लॉजिक क्या है? अगर इक्वेशन ये होती तो ग्राफ ऐसा बनता, लेकिन यहाँ पर माइनस होते ही ग्राफ जो है उल्टा हो जाएगा, इस टाइप से नहीं होके वो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से इस टाइप का ये ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर देखो क्या है, वी आउट जो है ये दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती होता है तो अपना जो ग्राफ बनता है वो बनता है अति परवलय टाइप का। अति परवलय कुछ इस टाइप से होता है, तो ये है वी आउट। क्लियर है? तो ये ग्राफ अपने को समझ में आना चाहिए ऐसे, ये अंदर फिर सतह पे फिर बाहर अति परवलय टाइप का हो जाएगा ये। तो ये ग्राफ है दूरी और विभव में, ये जो है सतह पर विभव है, ये केंद्र पर विभव है। तो ध्यान रखना केंद्र पर विभव सबसे ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे विभव का मान कम होता चला जाता है, और अनंत पे जाकर के विभव का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ध्यान रखना अनंत पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों ही 0 हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये था अपना ठोस अचालक गोले से संबंधित विभव निकालने के फॉर्मूले हमने ड्राइव किए, अंदर बाहर सतह पे, और ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है। तो ये जो डेरिवेशन है ये एग्जाम में 4 मार्क्स का आ सकता है। क्लियर है? थैंक यू, वीडियो को अच्छे से देखें।